आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट स्क्वायर मेथड ठीक है तो लिस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू हम ट्रेंड वैल्यू निकालेंगे और स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन निकालेंगे ठीक है तो देखो हमारा जो ये डेटा है इवेंट डेटा है ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है तो आज के इस वीडियो में हम इवेंट डेटा के ऊपर ट्रेंड वैल्यू और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बताएंगे ठीक है सबसे पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान दो देखो आप आपके पास ईयर्स दिया है और सेल्स दिया है ठीक है देखो टू में दस का सेल्स हुआ है टू में बीस का टू में तीस का ठीक है अप टू टू में अस्सी का सेल्स हुआ है ठीक है तो आपको इसमें सभी ईयर्स के लिए आपको ट्रेंड वैल्यू निकालना है और आपको बताना है कि ट्रेन वैल्यू क्या होगा सभी ईयर्स के लिए मतलब कि 2001 के लिए ट्रेन वैल्यू क्या होगा दो हज़ार दो के लिए तीन के लिए चार के लिए इस टाइप से आपको ट्रेन वैल्यू निकालना है ठीक है तो सबसे पहले आपको निकालना है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन ठीक है और उस स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन में आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो आपको हर एक साल का ट्रेन वैल्यू मिलता चला जाएगा ठीक है तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रेंड देखो ये जो आपका ईयर्स है इसको एक से एग्ज्यूम करना है और वाईज्यूम करना है आपको सेल्स को ठीक है अब देखो ईयर्स को आपको इधर लिखना है और आपको सेल्स को इधर लिखना है ठीक है मैंने ईयर्स को लिख लिया जैसे 2001 2002 2003 ठीक है दो हज़ार चार पाँच छः सात आठ ठीक है आपको इसमें मिड पॉइंट देखना है कि आपका ये इसमें ये जो डेटा है इसमें मिड पॉइंट कौन सा है तो देखो इसमें अगर आप मिड ईयर निकालोगे तो सबसे पहले आपको काउंट करना है कि आपका डेटा कितना है ठीक है तो देखो मेरा डेटा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मतलब डेटा है एट डेटा एट मतलब कि ईवेन नंबर हमारा ये डेटा है ठीक है तो इवेंट डेटा अगर होता है तो इस केस में हमारा जो मिड पॉइंट्स होता है दो वैल्यू होता है ठीक है तो देखो इस डेटा में हमारा 2004 और 2005 हमारा मिड पॉइंट्स होगा ठीक है ये मिड ईयर होगा ठीक है तो अब इन दोनों में अगेन आपको यहाँ मिड वैल्यू निकालना है ठीक है तो आपको क्या करना है 2004 और 2005 को आपको एवरेज निकालना है ठीक है तो देखो मैं 2004 और 2005 का मैं एवरेज निकालूंगा यहाँ पे तो मेरा आएगा 2004.5 ये हमारा एवरेज होगा टू थाउजेंड फोर और टू थाउजेंड फाइव का ठीक है अब आपको इस वैल्यू से डेविएशन निकालना है ठीक है तो फ्रेंड मैं यहाँ से डेविएशन निकालूंगा अब देखो एक्स में से मैं टू थाउजेंड फोर पॉइंट फाइव को मैं माइनस करूँगा तो मेरा एक स्मॉल एक्स निकलेगा ठीक है तो इसको हम बोलते हैं डेविएशन ठीक है अब x की जगह पे ये डेटा आएगा और टू को मैं माइनस करते चला जाऊंगा ठीक है तो चलो मैं माइनस करता हूँ टू को मैंने माइनस किया टू से तो माइनस में थ्री आएगा ठीक है फिर अगेन मैं टू को मैं माइनस करूँगा टू थाउजेंड से ठीक है माइनस में 2.5 पॉइंट आएगा ठीक है इस टाइप से मैं 2003 को माइनस करूंगा टू से तो माइनस में 1.5 पॉइंट आएगा ठीक है इस टाइप से करके आपको स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालना है ठीक है उसके बाद आपको निकालना है एक्स इन टू आई एक्स इंटू आई मतलब कि ये जो सेल्स से है इसमें और माइनस थ्री पॉइंट फाइव में आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको एक्स इंटू आई की वैल्यू मिलेगा ठीक है सिंपल बात है कि आपको एक्स की वैल्यू में और ये स्मॉल एक्स में मल्टीप्लाई करते जाना है आपको एक्स इंटू आई की वैल्यू मिलते चला जाएगा ठीक है तो देखो मैंने टेन में माइनस में थ्री पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई किया तो माइनस में थर्टी फाइव आया ठीक है उसके बाद ट्वेंटी में माइनस में टू पॉइंट फाइव से मल्टी माइनस में फिफ्टी आया थर्टी में मैं मल्टीप्लाई किया माइनस में वन पॉइंट फाइव से तो माइनस में फोर्टी फाइव आया ठीक है इस टाइप से करके आपको एक्स इन टू आई निकालना है ठीक है उसके बाद आपको एक्स स्क्वायर निकालना है मतलब कि ये जो डेविएशन का एक्स है इसको आपको स्क्वायर करना है ठीक है तो देखो माइनस में थ्री पॉइंट फाइव को मैंने स्क्वायर किया तो बारह पॉइंट पच्चीस आया ठीक है माइनस में टू पॉइंट फाइव को मैंने स्क्वायर किया तो सिक्स पॉइंट ट्वेंटी फाइव पाया ठीक है इस टाइप से माइनस में वन पॉइंट फाइव को मैं टू पॉइंट ट्वेंटी फाइव आया ठीक है इस टाइप से करके आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है एक्स इन टू आई निकालना है स्मॉल एक्स निकालना है ठीक है अब ये जो एक्स से है ना सेल्स के इसको मैं इग्नोर करूँगा ठीक है इस एक्स की अब कोई ज़रूरत नहीं रहेगा ठीक है अब ये सारा काम मेरा एक स्मॉल एक्स से होगा ठीक है अब आपको टोटल निकालना है देखो आपका एक्स स्क्वायर का टोटल फोर्टी टू आएगा उसके बाद x इन वाई का टोटल फोर हंड्रेड ट्वेंटी आएगा ठीक है x का टोटल आपका जीरो आएगा y का टोटल आपका थ्री हंड्रेड सिक्सटी आएगा ठीक है अब देखो आपका n का जो वैल्यू होगा एट होगा कैसे होगा नंबर ऑफ आइटम देखो डेटा कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आपका नंबर ऑफ़ आइटम कितना है एट है तो आपका n की वैल्यू एट बनेगा ठीक है अब आपको निकालना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड फिर मैं वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन इक्वेशन निकालूंगा ठीक है उसके बाद मैं फर्स्ट स्टेप में यूज करूंगा ठीक है इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा ठीक है देखो समीशन वाई वाई का समीशन कितना है थ्री हंड्रेड सिक्सटी ठीक है तो मैं यहाँ पे थ्री हंड्रेड सिक्सटी रखूँगा एन की वैल्यू देखो मेरा एट है तो मैंने यहाँ पे एट रखा ए का ए प्लस का प्लस बी का बी और एक्स का समीशन एक्स का समीशन देखो मेरा जीरो है तो मैंने यहाँ पे जीरो रखा इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ए का वैल्यू मिलेगा फोर्टी फाइव ठीक है इसको देखो मैं एक दूसरे फार्मूला से सॉल्व कर सकता हूँ ए इज कल टू समीशन वाई डिवाइड बाई एन समीशन वाई की वैल्यू मेरा थ्री हंड्रेड सिक्सटी है और डिवाइड में एट आएगा ठीक है तो ए का वैल्यू मेरा आएगा फोर्टी फाइव ठीक है तो आप एक की वैल्यू इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो ठीक है बट आपको ध्यान रखना है अगर आपका यहाँ पे समीशन एक्स का वैल्यू जीरो आएगा तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे ठीक है अगर नहीं आया तो फिर आप इस मेथड के थ्रू सॉल्व करोगे ठीक है और एक की वैल्यू निकालोगे ठीक है अब मैं निकालूंगा बी की वैल्यू स्टेप नंबर दो से फ्रेंड मैं स्टेप नंबर दो यूज़ करूँगा लिस्ट स्क्वायर मेथड का ठीक है इसमें वैल्यू रखूँगा ठीक है एक्स इन टू आई का वैल्यू देखो मेरा फोर ट्वेंटी है ठीक है इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा बी का वैल्यू आएगा टेन ठीक है बी का फार्मूला एक दूसरा भी होता है एक्स इन टू आई का समीशन डिवाइड बटा एक्स स्क्वायर का समीशन ठीक है इस फार्मूले से भी अगर मैं बी का वैल्यू निकालूंगा तो मेरा टेन आएगा ठीक है तो आप ये वाला भी फार्मूला यूज कर सकते हो ये वाला भी फार्मूला यूज कर सकते हो ठीक है अब मैं ए और बी का वैल्यू स्टेप नंबर थर्ड में रखूँगा तो मेरा इक्वेशन मिलेगा ट्रेंड लाइन का ठीक है तो चलो मैं रखता हूँ फ्रेंड स्टेप नंबर मैं थ्री यूज करूँगा लिस्ट स्क्वायर मेथड का ठीक है इसमें ए का वैल्यू रखूँगा प्लस का प्लस और इसमें बी का वैल्यू रखूँगा ठीक है और ये जो एक्स है ये हमारा यहाँ पे आएगा एक्स तो मेरा ट्रेंड लाइन का इक्वेशन बनेगा वाई इज्कल टू फोर्टी फाइव प्लस टेन एक्स ठीक है तो ये हमारा ट्रेंड लाइन इक्वेशन होगा ठीक है अब मैं कैलकुलेट करूंगा ट्रेंड वैल्यू फॉर ऑल ईयर्स के लिए ठीक है तो मैं सभी ईयर्स के लिए वन बाई वन ट्रेंड वैल्यू निकालूंगा इस इक्वेशन की मदद से ये बेसिकली मेरा फॉर्मूला बनेगा ट्रेंड वैल्यू का ठीक है तो सबसे पहले मैं निकालूंगा 2001 के लिए ठीक है फ्रेंड देखो 2001 के लिए मैं निकाल रहा हूँ ट्रेंड वैल्यू ठीक है मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा वाई इजल टू फोर्टी फाइव प्लस टेन एक्स ठीक है अब देखो यहाँ पे 45 प्लस का प्लस 10 का 10 और ये जो x की जगह पे देखो अब आपको यहाँ पे x का वैल्यू रखना है ठीक है तो फ्रेंड देखो टू थाउजेंड वन के लिए मेरा एक्स का जो वैल्यू है माइनस में थ्री पॉइंट फाइव है ठीक है तो इस माइनस में थ्री पॉइंट फाइव को मैं यहाँ पे पुट करूँगा माइनस में थ्री पॉइंट फाइव ठीक है इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरा टेन आएगा ठीक है तो ये जो मेरा टेन है दो हज़ार एक के लिए ट्रेंड वैल्यू होगा ठीक है अब मैं अगेन निकालूंगा टू थाउजेंड टू के लिए ठीक है तो मैं ये फार्मूला यूज करूँगा अब फ्रेंड मैं एक्स के लिए वैल्यू रखूँगा फ्रेंड देखो टू थाउजेंड टू के लिए मेरा एक्स का वैल्यू है माइनस में टू पॉइंट फाइव ठीक है तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे x की जगह पे पुट करूंगा ठीक है तो मैंने पुट कर दिया माइनस में टू पॉइंट फाइव ठीक है इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो ट्वेंटी आएगा ठीक है तो ये ट्वेंटी 20 मेरा टू थाउजेंड टू के लिए ट्रेंड वैल्यू होगा ठीक है इसी टाइप से मैं दो हज़ार तीन के लिए निकालूँगा टू थाउजेंड फोर के लिए टू थाउजेंड फाइव के लिए सिक्स के लिए सेवन के लिए और एट के लिए निकालूंगा ठीक है चलो मैं एट के लिए निकाल करके बताता हूँ देख देखो अब टू थाउजेंड एट के लिए मेरा एक्स का वैल्यू क्या है तो फ्रेंड देखो यहाँ पे 2008 के लिए मेरा एक्स का वैल्यू है थ्री पॉइंट फाइव ठीक है तो इसको मैं थ्री पॉइंट फाइव को मैं पुट करूँगा इस फॉर्मूले के अंदर ठीक है तो मैंने यहाँ पे थ्री पॉइंट फाइव पुट कर दिया ठीक है इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरा एटी आएगा तो एटी जो है मेरा टू के लिए ट्रेंड वैल्यू होगा ठीक है तो फ्रेंड इस टाइप से हम दिए गए ईयर्स के लिए ट्रेंड वैल्यू निकालते हैं ठीक है उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोज को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू